हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज फार एज सॉल्यूशन कंसर्न। सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही जरूरी है समझना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी असल में होता क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना बढ़ेगा या घटेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसी तरह से वैरी करेगा। और इसमें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो पार्टिकल का नेचर कैसा है और वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में। इसमें हमारा जो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आखिर वेपर प्रेशर कम कैसे होता है, वेपर प्रेशर कम कैसे हो जाता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट रखा है। इसको हम हीट करते हैं, चूंकि कंटेनर हमारा क्लोज्ड है तो हम जब इसको हीट करते हैं तो यहां से जो इसके पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज होते हैं, वेपोराइज होकर कंडेंस होते हैं, वापस फिर इसमें कलेक्ट होते हैं। और वो जो प्रेशर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर फॉर्म में, जो सब्सटेंस आया है वो जो प्रेशर सरफेस पे एग्जर्ट करता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर था। अभी क्या होगा कि यदि इसी कंटेनर में हम सॉल्यूट भी मिला दें, यदि इस कंटेनर में हमने सॉल्यूट मिला दिया, इफ वी हैव द सॉल्यूट पार्टिकल्स अलोंग विद द सॉल्वेंट, यदि हमने ऐसा कर दिया, फिर हमने हीट किया, तो हम देखते हैं क्या कि जो वेपर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, इसके कन्वर्ट होने की जो रेट है वो कंपैरेटिवली अब कम हो जाएगी और कम वेपर ऊपर आ पाएगा। और कम वेपर होगा, वेपर में पार्टिकल्स कम होंगे, दैट मींस वो प्रेशर भी कम एग्जर्ट कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर जो हमारा होगा वो डिक्रीज कर जाएगा इन केस ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास एडिशनल इंटरैक्शन होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं और उसको सरफेस से बाहर निकलने में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है मतलब कम गैसियस पार्टिकल अवेलेबल होते हैं, कम गैसियस पार्टिकल यहां पे दिखाई देंगे तो प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इन केस ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर हमेशा ही कम हो जाता है। सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर हमेशा ही कम हो जाता है। इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ही ज्यादा होगा। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम क्वांटिटेटिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। अभी हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। यदि हम सॉल्यूशन ले लें, ऐसे आप समझिए तो ज्यादा समझ में आ सकता है। ये सॉल्यूशन हमारा है, इसके दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसको यदि हम कंपोनेंट वन मान लें, इसको कंपोनेंट वन मान लें और इसको कंपोनेंट टू मान लें, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम यदि P1 मान लेते हैं एंड वेपर प्रेशर ऑफ P1 नॉट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट P2 नॉट मान लें, और दोनों का मोल फ्रैक्शन
इसका हम मोल फ्रैक्शन यदि N1 मान लेते हैं और इसका N2 मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन में मोल नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 मान लेते हैं और मोल फ्रैक्शन X1 एंड X2 मान लेते हैं, तो हमको समझने में आसानी होगी कि हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कितने अच्छे से इसमें समझ पाएंगे। अभी देखते हैं कि हमारा जो वेपर प्रेशर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू X1। ये हमारा रॉल्ट्स लॉ है, ये हम लोगों ने रॉल्ट्स लॉ में इस चीज को देखा है। अब देखिए कि यदि हमको पता करना है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है उसमें चेंज कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर ये तो इनिशियल प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है और कुछ टाइम बाद जब हम उसका सॉल्यूशन बना ले रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ चेंज आएगा, तो उसके वेपर प्रेशर में जो चेंज आएगा उसको हम P1 और P2 से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये इनिशियल वेपर प्रेशर एंड दिस इज वेपर प्रेशर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तब। ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 का है, ये कंपोनेंट 1 का, तो इसमें चेंज कितना हुआ, जो हमारा वेपर प्रेशर है उसमें चेंज कितना हुआ, कंपोनेंट 1 के वेपर प्रेशर में यदि हम चेंज को कैलकुलेट करना चाहें तो चेंज कितना हुआ। चेंज को हम डेल्टा P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1, दिस इज चेंज इन वेपर प्रेशर, ये हमारा वेपर प्रेशर का चेंज है। अब हम ये देख रहे हैं कि चूंकि हम ये पहले से जानते हैं कि प्योर फॉर्म में जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ही ज्यादा होता है, प्योर फॉर्म में जो हमारा वेपर प्रेशर है वो हमेशा ही ज्यादा होता है, इसलिए हमने डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब हम यदि ये जो हमारा P1 का वैल्यू है P1 नॉट माइनस X1 वो हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाता है P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। इसको हम लिख सकते हैं P1 नॉट इंटू 1 माइनस X1, फिर इसको हम लिख सकते हैं P1 नॉट X2, यानी डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2, डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2। अब देखिए डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2 और डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2 is equals to X2. अब डेल्टा P1 is equals to क्या है, P1 not minus P1, तो इसको हम लिख सकते हैं और P1 not minus P1 upon P1 not is equals to X2. ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। असल में हम जिस चीज का भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो रिलेटिव होता है, कोई भी कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैसा हम कर नहीं सकते, सब कुछ रिलेटिव होता है। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो बराबर है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, जो बराबर है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इसका मतलब हुआ कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज आवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन,
कंपोनेंट टू जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो कंपोनेंट टू का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो हमारे सॉल्यूशन में बहुत कम हो जाएगा। इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, वो बहुत कम हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमारा हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 naught इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1। अब इसको N2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या कैलकुलेशन होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। और कंपोनेंट 2 के केस में हम करेंगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। गिवन मास को हम ले रहे हैं क्या, हम एक जगह लिख लेते हैं गिवन मास इज इक्वल्स टू गिवन मास और मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास को हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं या M2 से, कंपोनेंट 2 के केस में M2 हो जाएगा वो और कंपोनेंट 1 के केस में M1 हो जाएगा। तो M से रिप्रेजेंट करेंगे हम मॉलिकुलर मास को और W से रिप्रेजेंट करेंगे गिवन मास को। 1 और 2 का नोटेशन अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट हो जाएगा। इन केस ऑफ N2 ये क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ N2 ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन यानी W2 अपॉन M2 फिर अपॉन W1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इनटू M1 अपॉन W1। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये फार्मूला। ये है फार्मूला, इस फार्मूला के बेसिस पे हम, यदि हमारे पास वेपर प्रेशर हो, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि प्योर फॉर्म में कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है और ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन बना लेता है। यदि हमारे पास गिवन मास हो या मॉलिकुलर फार्मूला है तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, ये हम कर सकते हैं। और तब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूट हमने मिलाया तो हमारे वेपर प्रेशर में कितना कमी आया, वेपर प्रेशर हमारा कितना कम हुआ। और हम मॉलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में चेंज आया है, हम उसका मॉलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मॉलिकुलर मास दिया है, यदि फार्मूला हमको पता है तो वी कैन कैलकुलेट द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आल्सो। इस फार्मूला के बेसिस पे हम गिवन मास या मॉलिकुलर मास भी सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में तो उसका मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम गिवन मास भी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर प्रेशर के बेसिस पे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है और जो कैलकुलेशन है वो इतना है। हम यदि इसको समझ ले रहे हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर ले रहे हैं तो इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछता है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है जनरली वो न्यूमेरिकल्स यही होता है कि जो हमारा गिवन मास है, जो मॉलिकुलर मास है, यदि फार्मूला दिया है तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, और यदि मॉलिकुलर मास हमको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पता है तो वी कैन कैलकुलेट द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और यदि गिवन मास पता है तो हम मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का पता कर सकते हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर घट रहा है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रहा है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।